ऐसा भी हो सकता है कि बंदूक की टेस्टिंग करने के लिए सीधे युवक को निशाना बना लिया जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला नौगांव थाना अंतर्गत सामने आया है, जिसमें कमलेश कुमार द्विवेदी नाम का एक युवक घायल हुआ है। युवक ने बताया कि वह नौगांव के एक मैकेनिक की गैराज पर अपना ट्रैक्टर सही करवा रहा था, तभी उसी दौरान एक युवक आया और हाथ से बना हुआ अवैध असला लिए हुआ था और उसके ऊपर सीधा टेस्ट कर दिया और फायर कर दिया। इसके बाद युवक के पैर पर गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो युवक के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि राजीनामा कर लिया जाए, लेकिन युवक राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि युवक के परिजनों के द्वारा नौगांव थाने में एक आवेदन भी दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है और उसका कहना है कि इस तरीके से गुंडई हावी है कि सीधे उसके ऊपर कारतूस से टेस्टिंग कर दी गई और उसे घायल कर दिया गया, जबकि वह जिला अस्पताल में घायल पड़ा हुआ है, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या नाम भैया आपका? कमलेश कुमार द्विवेदी नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? घिसलली गांव के रहने वाले हैं। अजनार थाना लगता है। हमारे साथ एक घटना हुई कि हम ट्रैक्टर का काम करा रहे थे खरात की दुकान पे, तो एक लड़का आया, उसने एक डेढ़ हाथ वो मतलब राइफल टाइप का हथियार था, तो उसने उसमें कारतूस लगाया और सीधे घाल दिया हमने। हाँ, ट्राई कर दी हमारे ऊपर, तो हमारे यहाँ पाँव के नीचे घुटना में लग गई सर, और हमको खून निकलने से हमको फिर कुछ नहीं पता कि हम कहाँ हैं और क्या है। तो कहाँ पर गए दिखाने के लिए? फिर नौगांव आए हैं, सही सुनने पट्टी अट्टी बांधी और कुछ नहीं किया। तो यहाँ फिर उन्होंने रेफर किया सिविल अस्पताल वालों ने। आप नौगांव किस लिए आए थे, क्या काम करने के लिए? ट्रैक्टर का काम कराने आए थे। ट्रैक्टर का आर्मेचर करंट वाला होता है, उसकी हम सॉपट पुल्ली बनवा रहे थे। थाने में शिकायत की, लेकिन उन लोगों ने पैसे खा लिए तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। आवेदन दिया है? हाँ, आवेदन भी दिया है, लेकिन वे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे।